हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। हाउ टू जॉइनिंग मोटो ब्लॉगिंग ग्रुप। तो अगर आपने ये टाइटल सर्च किया है तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह आए हो। अगर आपको स्टॉल करते करते भी ये वीडियो आपके सामने आई है तो इस वीडियो को, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और हमने भी ऐसे ही ये टाइटल बहुत सर्च किया था तो इस पर ज़्यादातर वीडियो है नहीं। और जो मोटो ब्लॉगिंग ग्रुप है वे इक्का दुक्का है, उनका अलग सिस्टम है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हाई ब्रो बाइक चाहिए होती है, एक दो राइडिंग का उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तो उनका बहुत, और फिर उनका सब्सक्रिप्शन चार्ज भी होता है। तो ये चीज़, इसी चीज़ से हमने बचने के लिए हमने खुद का एक राइडिंग ग्रुप बनाने का सोचा है कि हम एक खुद का राइडिंग ग्रुप बनाए जिसमें कोई रूल और रेगुलेशन ना हो, कि आदमी अपने लो बजट में इसको कर सके, ना उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन हो, ना उसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज हो। तो यही चीज़ को देखते हुए हमने इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा है कि जो है बेसिक सा होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कम से कम उनमें क्या चीज़ की जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले कम से कम 125 सीसी की कोई भी बाइक अच्छी कंडीशन में, ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी बाइक अच्छी कंडीशन में हो और अपने नाम हो, किसी अदर पर्सन के नाम ना हो। हालांकि परिवार में किसी के भी नाम हो लेकिन कंडीशन अच्छी हो। ऊपर बाइक आपकी कोई सी भी चलेगी लेकिन कम से कम वो 125 सीसी, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जितने भी बंदे राइडिंग में जाना चाहते हैं, हालांकि 150 सीसी से ऊपर ही ले रहे हैं सब, लेकिन कुछ बंदे और भी लो बजट में हैं लेकिन वे करना चाह रहे हैं। कर तो आप 100 सीसी में भी सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ी सी ठीक सी कंडीशन और थोड़ी सी जान सी हो बाइक में। 125 की बहुत बढ़िया रहती है किसी भी लॉन्ग राइड के लिए और आपको कहीं धोखा नहीं देने की। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको पास 125 की बाइक होनी चाहिए, किसी भी कंपनी की हो। दूसरी बात, आपके पास एक घूमने का फैशन जो कहते हैं कि शौक हो घूमने का, ये नहीं कोई ज़बरदस्ती घुमा रहा है या कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है। आपके अंदर अगर रुचि है तो रुचि होनी चाहिए। हम हैं दो तीन बंदे हैं हम ग्रुप में, अभी हमने एक नया ग्रुप बनाया है उसमें हम दो तीन बंदे हैं ऑलरेडी, और दो तीन बंदे और भी हमारे और ज्वाइन होने वाले हैं। लेकिन अभी जो तैयार है हमारी ट्रिप 26 नवंबर 2022 को मनाली ट्रिप जा रही है, और ये शॉर्ट ट्रिप रहेगी हमारी, ज़्यादा बड़ी ट्रिप नहीं रहने की। तो मैंने जैसा कि देखा कि इस टाइम जो है लद्दाख बंद हो जाएगा, जो हम नवंबर में जाएंगे तो लद्दाख बंद हो जाएगा, तो ओनली मनाली की ही ट्रिप हो पाएगी हमारी। तो हम मनाली की ट्रिप करेंगे और जिस जिस भाई को मनाली की ट्रिप करनी है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा मैं, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आप अपना या कमेंट में आप अपना नंबर डालें, अपना नाम डालें, बाकी की बातें जो भी होगी हमारी उसमें हो जाएगी। और बस ये है कि बाइक हो थोड़ी सी, और सर्दी के कपड़े देखो माइनस टेम्परेचर वहाँ चल जाता है, तो सर्दी के कपड़े वपड़े होने चाहिए, और जो थोड़ा सा लेग गार्ड वगैरह, तो बाइक पे चलाओगे तो थोड़ा सेफ्टी वेफ्टी का भी ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या नहीं है तो यूट्यूब चैनल हो तो और भी बढ़िया, उस पर आप वीडियो वीडियो अपना कैमरा फ़ोन, अगर आपका कैमरा नहीं है तो आप फ़ोन से सेटअप कर सकते हैं जैसे मोटो व्लॉगिंग का सेटअप करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक मोटो व्लॉगिंग का सस्ता सेटअप बना के दिखाया है और वो प्रॉपर वर्क भी कर रहा। अभी तो मेरे पास, मैं उसी से मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लद्दाख टाइम में शायद उस टाइम पे गोप्रो ले लूँ, तो ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं करना है। लो बजट की हमारी ट्रिप है, लो से लो बजट हम कोशिश करेंगे। हमारे जो भी साथी है जो इस ग्रुप में जो ज्वाइन है उनके सबके पास यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल अभी बाइक राइडिंग का, और मेरा भी ये यूट्यूब चैनल है बाइक राइडिंग का। इससे एक अलग चैनल है जो मेरा कुकिंग विद फरमान, वो मेन चैनल है हमारा, और ये सेकंड चैनल है जो हम सिर्फ राइडिंग की इसमें वीडियो डाल रहे हैं और राइडिंग के ही सब कुछ इसमें दिखा रहे हैं। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं आपको ग्रुप में।